हमारे गुरुजनों की तरफ से जो लगता है वो लगता नहीं है, जो रियलिटी भी है कि आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर रहे, एक लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे पहुँचे, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी रहे 2007 से लेके 2022 तक बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए 2007, 2009 और 2022। हमारे गुरुजनों की तरफ से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आप एक अच्छे शिक्षक भी हैं। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? रोल में ही हैं आप शिक्षक। बेहतर हूं कि नहीं हूं नहीं पता, लेकिन अपने अनुभवों को बड़े बिना किसी ग्लानि के और बगैर कोई तथ्य छुपाए किसी चीज को ग्लैमराइज करके, क्योंकि सक्सेस जब आदमी हो जाता है किसी का तो फिर वो अपने जीवन के काले पक्षों को उजागर नहीं करना चाहता। मेरा मानना यह है कि जीवन के काले और कठिन पक्ष यदि मैं अपनी जनरेशन को नहीं बताऊंगा तो इनको अच्छा अच्छा ही दिखेगा कहाँ से होकर के ये रास्ता निकलेगा। तो ये जब मैं बोलता हूँ तो बड़े निर्मल और स्वच्छ मन से बोलता हूँ बच्चों के साथ में, और ये हीनता की भावना नहीं। तो मैं गरीब पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई दोषी नहीं। मैं गरीब अगर मरूंगा तो केवल और केवल मेरा ही दोष रहेगा। ये जो भावना है इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो जब चर्चा करता हूँ तो हो सकता है कि वातावरण बनता हो अच्छे शिक्षक। वैसे मुझे नहीं लगता कि हाँ, चीजों को देख करके इंटरप्रेट करके और उसको आज के जीवन प्रबंधन में हम कैसे उसको ढालें और कैसे वो एक गुण को अपने अंदर ग्रहण कर लें, इस बात में परिचर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ अपने अनुभवों के आधार। नहीं गर्व करता कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर हूँ, लेकिन एक मेहनत कस मजदूर जरूर हूँ जिसकी आंखों में हमेशा एक सपना है और आज भी सपना है। बेटी मेरे को उम्र दराज बोलती तो मैं मान लेता हूँ, आज भी सपना है कि मैं कुछ नया कर सकूं। और जिसकी कड़ी में रिटायरमेंट की एज होने के बाद भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सोची, और आप सभी के सहयोग से, मेरे बच्चों के दुआओं से आज विश्वविद्यालय हो चुका है।